Panchayat polls at the doorstep, Goa Kannada Mahasangh has decided to field candidates in the ensuing Panchayat elections, especially in the stronghold of Kannadigas. This was announced by All Goa Kannada Mahasangh Honorary President Siddhana Methi while he was conferred with doctorate. Methi was felicitated on the occasion for his achievement and also for his outstanding role in social, political, religious and other fields. अभी पंचायत इलेक्शन जून 15 तक ऐसा डिक्लेरेशन होने वाला ऐसा मैसेज है. तो ऑलरेडी जो जो हमारा कन्नड़ी का लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा वार्ड में रुकता है वहाँ हम लोग यूनिटी होके मेरे पास संपर्क कर रहे. पिछले टाइम हम लोग संकोल पंचायत हम लोग बहुत पुराने से मतलब 2002-3-4 से रवि घोड़ा करके हमारा था, तब से हमारा फाइनल वहाँ पे स्ट्रांग सांकवाल पंचायत में हर बार एक 3-4-5 कैंडिडेट ऐसा दिखते आता है. मेरा भाई भी 2 बार वहाँ पे शरण मेटी सरपंच बन चुका है और मेरा वाइफ भी कर्नाटक में जिला पंचायत प्रेसिडेंट बन चुका है. वहाँ 213 पंचायत का वो हेड बन के हमको अनुभव है. उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम यहाँ पे गोवा में भी कन्नड़ी लोग कहाँ कहाँ स्ट्रांग है, बिचोले है, कलनगुड़ वड्डे है, यहाँ सांकवाल है, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट है तो हम कन्नड़ा फाइनल बना के वहाँ पे स्ट्रांग जो रुकने वाला है उन लोगों को हिम्मत दे के आने वाला पंचायत इलेक्शन में जितना लोग खड़ा रहता है उन लोग इंटरेस्ट के उन लोगों को जिता के लाने के लिए मैं उन लोगों को सपोर्ट करता है. ये सर हम तो बाहर विदेश में नहीं है, बाई बाई का जैसा है कर्नाटक और गोवा, इसलिए हमारा हक संविधान क्या बोलता है एक इंसान को किधर भी रह के उसका हक जताना पड़ता है. हम इधर पैदा हुआ है, हमारा 3 जनरेशन हुआ, 3 जनरेशन होने के बाद भी राजनीति में और हम लोग नहीं आया है तो ऐसा हमको भी चाहिए क्यों, हम भी इंसान है, इसलिए हमको राजनीति में पर पंचायत में हमारा जो भी गोवा कन्नड़ी का एक मेंबर होने के लिए मैं अभी हमारा गोवा ब्रदर्स और सिस्टर को विनंती करता है. हम तो अलग नहीं है, ऐसा सोचो मत, हम आपका साथ है, साथ रह के हम आगे जाएगा. आप कैसा भी आप थोड़ा लो अपना फायदा के लिए अलग अलग में ML इलेक्शन में देखा है फायदा के लिए करता है. हम इंसान है, इंसानियत से जीना पड़ता है, इसलिए सभी लोग प्यार और विश्वास से गोवा में एक साथ आगे बढ़ेगा तो हमारा गोवा समृद्ध होएगा करके मैं इस संदर्भ में हमारा सभी भाई लोग इतना प्यार और विश्वास से हमको सम्मान किया सभी लोगों को मैं कृतज्ञता करना चाहता.